सनमुख रेत गणेश पांच देव रक्षा करें सुब्रह्मा विष्णु महेश। तो स्वर बिन मिले नहीं सरस्वती और गुरु बिन मिले न ज्ञान, जल बिन हंसा ना मिले सुना बिना भजन भगवान। सरसों मिल गई सरस्वती गुरु बचन दास जी सो ज्ञान, और जल से हंसा यह मिले जैसे भरत मिले भगवान। हाथ मेरे प्रिय सज्जनों, त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से हम रामायण का प्रोग्राम केवट संवाद देने के लिए जा रहे हैं। सुनिए बड़े गौर से और कहां से शुरू करते आइए। आरे मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभो सो दशरथ अजर बिहारी। अपने बस करे राखे रामू, ए जाकी रही है भावना जैसी, जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आज मेरे नौजवानों देखिए, इधर भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास के कई दे चुकी हैं, इधर महाराज दशरथ जी ने भी आज्ञा दे दी, तो भगवान और सीता जी और लक्ष्मण जी आज सुमंत के साथ रथ में बैठ करके किस प्रकार से अयोध्या से और वन के लिए जा रहे हैं। अयोध्या निवासियों की भीड़ लग जाती है मेरे नौजवानों, सबकी आंखों में आंसू रोने लगे हैं। हे विधाता, भगवान के बिन अयोध्या अब सूनी हो गई, हमारा क्या हाल होगा, ये क्या किया महाराज ने। हो अश्वार रथ पर चले सिया लखन रघुनाथ, नर नारी व्याकुल हुए सुप्रभु बिन अवध अनाथ। शोक भय सब लोग भी धाये रख के साथ, और समझाने उनको लगे सुसीतापति रघुनाथ। बंधुओं, आज भगवान कहने लगे हैं, हे पुरवासियों आप लौट जाइए, मेरे पीछे ना आइए, मैं 14 वर्ष के लिए पिता की आज्ञा अनुसार वन को जा रहा हूं। अयोध्यावासी आंखों से आंसू बहाने लगे हैं, प्रभु हमारा क्या होगा, हम नहीं लौटेंगे। क्या हुआ भैया? अरे चले संग नर नारी करे अति प्यार ने न जल छाए, प्रभु मति अवध अनाथ करो जी राजा दशरथ के जाए। प्रभु हमें छोड़ के न जाइए, लौट आइए, लौट आइए नाथ। भगवान कहने लगे, नहीं भैया, प्रभु यदि आप नहीं लौटोगे तो सुनो,
हम मरे जहरग से खाई सुनो चितलाई प्राण हम त्यागे हम को भी ले चलो संगदी चरण प्यारे लागे अयोध्या वासी रथ के आगे अड़ जाते हैं कुछ पीछे चले आ रहे हैं और भगवान कहने लगे भैया मेरा रास्ता छोड़ दो। आज बंधु अयोध्या वासी कहने लगे प्रभु हम अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन हम तुम्हारे संग ही चलेंगे हम वापस नहीं लौटेंगे। भगवान प्रेम भरे वचन सुन के आज क्या कहने लगे हैं सुन के वचन राम समझा में सुन के वचन राम समझा में भैया क्यों ने से नीर बहा में हमने जपित के वचन निभावे चौदह बरस बनी में बितावे हे भैया आप लौट जाइए हमें पिता की आज्ञा है हम अयोध्या को वापस नहीं लौटेंगे। अब तो 14 वर्ष व्यतीत करके वन में जब ही हम घर के लिए लौटेंगे। आज बंधुओं देखिए भगवान के समझाने पर अयोध्या वासी नहीं मानते हैं रथ के पीछे पीछे चले जा रहे। पहला निवास कहाँ हुआ सुनो और क्या किया भगवान ने ए पालक बूढ़े जवानर सभी तो संग थाए भैया इधर में तमसा नदी पर विश्राम किया। जब रात्रि हो जाती है रथ को रोक दिया पुरवासी कुछ रथ के आगे कुछ पीछे और सो जाते हैं। देखे भगवान कहां होके निकल जाएंगे। बंधुओं देखिए भगवान की लीला रात्रि में ही उन्होंने क्या किया। जब सब पुरवासी सो जाते हैं तो सुमंत को इशारा किया बोले भैया अब रथ को आगे ले चलो क्यों ये पुरवासी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे इनको हम यही छोड़ चलें। तो क्या किया बंधुओं अरे सोवत सब पुरवासी छोड़े और घोड़ा तुरत सचिव ने जोड़े गुहराज पास गए आई रे राम लखन सीता को लख के गिरो चरण भे साई रे सब पुरवासी छोड़े और घोड़ा तुरत सचिव ने जोड़े गुहराज पास गए आई रे राम लखन सीता को लख के गिरो चरण भे साई रे चलकर के जब
अब आगे बढ़ा है। गोहराज नाम का एक भीड़ था, हाँ उसके पास रथ पहुंच जाता है। जब गोहराज ने देखा कि भगवान रथ में विराजमान है, माता जानकी लक्ष्मण साथ में है, इनको तो राजतिलक होने को था, ये क्या चक्कर में समझ नहीं पाया। महात्माओं के वेश में जब देखा बंधु आगे बढ़कर क्या हुआ है। गद गद प्रेम राम को भायो लीनो कंठ लगाई है, गद गद प्रेम राम को भायो लीनो कंठ लगाई है, अब देखी राम को भेष तभी गुहराज कहे समझाई है। प्रभु मैं ये क्या देख रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आता क्या। अब राज तिलक की हम सुन पाई, हाय क्यों लयो जोगी भेष बनाई, तुम हमको देव बताई रे, राम लखन सीता को लख के गिरो चरण पे साई रे। तो कहने लगे हैं भगवान, हे भैया गोहराज, ये समय के अनुसार सब कुछ होता है, समय नहीं जाना जाता। प्रभु ऐसा आखिर कैसे हुआ, सुनो भैया। अब दो वरदान पिता से मांगे मैया ने हरसाई है, को राज दिलाई है। भैया हम पूरो वचन पिता को निभामी, और वन में 14 वर्ष बितामी, देखो तन में भस्म लगाई रे, राम लखन सीता को लख के गिरो चरण पे साई रे। मन में सोचने लगे हैं, विधाता तेरी गति जानी नहीं जाती, ये क्या होना था और क्या हो गया। भगवान को बड़े आदर से रथ से नीचे उतार लिया और क्या किया भैया। अब बहुत करे सत्कार प्रेम से कंदमूल फल खाएगी, मूल फल खाएगी। और क्या किया भगवान ने धर्म, ए पर के दूध हे तलखन को राम ने तुरंत पछाएगी, अब बर को दूध लखन जी लाए, और रामचंद्र के हाथ कहाए, फिर लीनी जटा बनाई रे, राम लखन सीता को लख के गिरो चरण पे साई रे। हाँ, आज मेरे नौजवानों, इस प्रकार से भगवान ने लक्ष्मण जी को हुक्म दिया कि लक्ष्मण जी आप बर का दूध लेके आइए। तो बड़ वृक्ष का दूध लेकर के लक्ष्मण जी एक दौना में भगवान के पास आ जाते। लीजिए प्रभु, भगवान ने बड़ वृक्ष का दूध लेकर के अपने जटा बनाने लगे हैं, तो सुमंत जी हाय घबरा गए और क्या कहने लगे हैं।
कहने लगे सुमंत जी ने नन जल पुलकाई। नाथ सुनो बिनती मेरी सो कही को सुला जाए। आप ये क्या कर रहे हो प्रभु? मुझे तो तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा दी थी कि हे भैया सुमंत, ले जाओ राम को 14 दिन हाँ जंगल में घुमा फिरा करके वापस ले आना, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? बोले भैया सुमंत, मैं अपनी जटाएं बना रहा हूं और अब तुम्हें 14 वर्ष व्यतीत करके ही और जब मैं लौटूंगा। नहीं नहीं प्रभु, क्या कहने लगे आज सुमंत, रो पड़े हैं। अपने आज्ञा दाई जी सुनो जी प्रभुराई। लौट चलो मेरे संग लौट चलो, मैं जिंदा अयोध्या को वापस नहीं जाऊंगा, तुम्हें लेकर के ही जाऊंगा। भगवान कहने लगे भैया ऐसी जिद मत करो। क्या हुआ? आज सुमन जी रो करके कहने लगे हे प्रभु, आपके पिताजी ने ये तो नहीं कहा था मुझसे, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, आप जंगल के लिए न जाइए नाथ। नहीं सुमन जी, आप इस बात की चिंता न कीजिए, मुझे पिता के वचनों की आज्ञा का पालन करना है। ए सुन के बचन राम समझावे, सुन के बचन राम समझावे, हम नहीं लौटिया बदकू चावी। मैंने तो जटा बना ली, सुनो ए लखन लाल से पूछो जाई, प्यारे संग लौट घर जाई। आज मेरे नौजवानों, भगवान कहने लगे हैं कि हे सुमन जी, आप लक्ष्मण जी से पूछ लीजिए, यदि तुम्हारे साथ लौट जाएं तो बहुत अच्छा है। सुमन जी लक्ष्मण की तरफ मुड़े और कहने लगे हे लक्ष्मण जी, आप मेरे साथ चलिए, जब राम नहीं जा रहे तो मैं कुछ तो तुम्हारे पिताजी को आज्ञा के अनुसार कुछ तो उनसे कहूंगा समझाने के लिए, मेरे साथ चलिए ना। लक्ष्मण जी ने जो इतने शब्द सुने, हाय हाय आंखें लाल और क्या बोले हृदय में। सुने सुमंत के बहन लखन ऋषि आई, तुम लगो पिता समता तो कहीं नहीं जाई। पिता के समान हो, इसलिए जो मेरे दिल में है वो कह नहीं पा रहा, लेकिन सुनो
से, अरे कांटे जो तुम्हारी आंखों में खटकते थे वो तो अब निकल चुके, अपने बेटा भरत से राज को चला ले। और सुनो सुमन जी, अरे कह दियो मैया से घर में घी के दिए जलावे, कह दियो मैया से घर में घी के दिए जलावे। हाँ मैया ने तो कर लई मन की, हमने राह लई अब बन की। आई प्रेम कर भैया से, अरे प्रेम कर भैया से घर में घी के दिए जलावे, कह दियो मैया से घर में घी के दिए जलावे। छैया से तू अपने ही छैयों की, अपने ही बेटों की हुई माँ, लेकिन हमको तो तूने गैर समझ लिया ना। हाय प्रेम करे छैया से घर में घी के दिए जलावे, कह दियो मैया से घर में घी के दिए जलावे। अब तो कांटे थे वो तो निकल चुके, अब तो भरत से राज चलाए, बड़े प्रसन्न होकर के घर में अब तो घी के दिए जलाएगी माँ। आज बंधु जो इतने शब्द सुने, भगवान आगे बढ़कर के अपने भैया लक्ष्मण को बाहों में भर लेते और कहने लगे, नहीं भैया ऐसे नहीं कहते, सुमन जी तुम्हें मेरी कसम है जो मेरे भैया लक्ष्मण ने कहा उससे माँ से जाकर के मत कहना। आज सुमन जी की आंखों में आंसू, रो रहे हैं, बोले प्रभु लक्ष्मण ने भी मने कर दिया, अब क्या करूं। राम सारा दे रहे हैं, जनक नंदिनी से पूछ लो ये तुम्हारे साथ लौट जाए तो। सुमन की हिम्मत नहीं पड़ी, मेरे नौजवानों इशारा किया, प्रभु आप ही कहें तो अच्छा है। भगवान कहने लगे, हे सीते हाँ इधर आओ। अरे बोले जब रघुनाथ सिया सुन बात अवध को जावो, जंगल में भालू शेर बहुत दुख पावो। ससुरा सिर नाई धर्म रही जाई धीर धर लेना, घर रहो कुशल से जाई री पिता को जिए तो कहना। कहने लगी, नहीं प्रभु नहीं, मैं लौट करके नहीं जाऊंगी। अब सुन के बचन सिया घबरानी, राम के चरण गिरी पैराई। नहीं मेरे नाथ, मैं लौट
हट के नहीं जाऊंगी, ना तुम्हें छोड़ूंगी। क्यों? अरे तुमको छोड़े अबद नहीं जाऊं, जंगल में हाय दुख उठाऊं। आज मेरे नौजवानों, सीता जी रोने लगी हैं, बोले नहीं स्वामी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगी। हाय जैसे भी हो तुम्हारे संग वन में, और कष्ट अपने तन पर सहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी नाथ, मैं लौट के नहीं जाऊंगी। आज बंदियों जो इतने शब्द सुने, हुआ क्या? ए सुने सिया के बेन, सचिव घबराए, धरती पे खातू पछारो, नैन जल छागे। विधाता, मैं महाराज को अब क्या कहूंगा, और वो कैसे अपने तन पर कैसे सह पाएंगे कि राम आगे वर्ष वन में बढ़ जाते हैं। मैं किस मुंह से कहूंगा? आज मेरे नौजवानों, भगवान ने जो देखा तो खड़े होकर के सुमंत को अपने गले से लगा लिया और समझाने लगे। इधर में भगवान ने सब प्रकार से आज सुमंत को समझा बुझा करके अयोध्यापुरी को वापस कर रहे हैं, और वहां से किस प्रकार से विदा किया उन्होंने। बोले हे सुमंत जी, जो मुझे पिता ने आज्ञा दी है, मां केकई ने ये भेष हमारा भगवा बनवाया, अब हम 14 वर्ष बिता करके ही वापस लौटेंगे। आप जाइए, पिता को समझा देना कि राम आगे वन के लिए निकल पड़े हैं। सुमंत जी रो पड़े, बोले नहीं प्रभु, मैं कैसे समझाऊंगा, आज जो मैं जाके कहूंगा कि राम तो वन के लिए चले गए, तो वो धीर नहीं धर पाएंगे। बंधुओं, और उन्होंने कहा कि हे सुमंत जी, जाओ आप, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वहां से विदा कर दिया। रोते हुए सुमंत रथ को लेकर के वापस चले हैं। और इधर क्या हुआ मेरे नौजवानों? राम लखन सीता सहित और गए गंग पे आए, केवट को श्री राम जी सो रहे आवाज लगाए। आज कहने लगे हैं, तीनों प्राणी गंगा के किनारे खड़े हैं, और केवट को आवाज लगाया और कहा, भैया केवट, हाय जो केवट ने देखा। तीनों प्राणी खड़े और बड़े दृष्टि से देख रहा था केवट, क्या हुआ? अरे मांगी ना बन के वट आना, मांगी ना बन के वट आना, मांगी ना बन के वट आना, कहो तो
तुम्हार मरम में जाना। हाँ तो मेरे प्रिय सजनों, आदरणीय हमारी माता बहने भी देखिए, जो ये कथा केवट संवाद आप त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, इधर भगवान गंगा किनारे खड़े हैं, केवट को आवाज लगा रहे हैं, तो केवट मर्यादा पुरुषोत्तम को जान चुके हैं और हाथ हिलाया उन्होंने, तो भगवान क्या बोले हैं हंस करके, भैया केवट हमें होबे अवरिया तुम लाबो नवरिया, पास जंदी से केवट आना हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। सुने हैं केवट जान चुके मर्यादा पुरुषोत्तम को और मुस्कराए, क्या हुआ है? अरे सुने के वचन के वट हरसाए हैं, सुन के वचन के वट हरसाए हैं, जान के अवध ना तो शीश को नवाए हैं, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। आज बार बार भगवान कहने लगे, भैया हमें देरी हो रही है, आप जल्दी आओ ना। केवट मुस्करा के कहने लगे, ना 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 प्रभु, क्यों, क्या बात है भैया? ए चरण लगत सिल देखो भई नार है, हाँ चरण लगत देखो सिल भई नार है, अब नाव उड़ जाए मर भूख परिवार है, गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। हे प्रभु, यदि मेरी ये नौका तुम्हारे चरण रज लगने से उड़ जाएगी तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, मैं कहीं का ना रहूंगा। भगवान हंस गए और क्या हुआ भैया? कहने लगे, भैया केवट आखिर हमें गंगा से पार कैसे करोगे, बताओ। सुनो, अब बिन पग धोए नहीं नाव चढ़ाऊंगा, हाँ बिन पग धोए नहीं नाव चढ़ाऊंगा, और चरण प्रसाद लेके भवतरी जाऊंगा, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। भैया केवट हमें होबे अवरिया तुम लाबो नवरिया, पास जंदी से केवट आना, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। केवट कहने लगे हैं, हे प्रभु आपके चरण लगने से जब पत्थर की शिला नारी बन के आकाश में उड़ सकती है, तो मेरी तो ये काठ की नाव है,
प्रभु मैं तो इसके सहारे सारे परिवार को पालता हूँ, यदि तुम्हारे चरण लगने से यदि मेरी नाव उड़ गई नाथ तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। भगवान हंस पड़े हैं और कहने लगे केवट प्रभु मैं तो तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ लेकिन तुम ही मुझे आज भूल रहे हो। भगवान कहने लगे कैसे जानते हो भैया। इधर उन्होंने जब ये कहा था कि मैं बिगर चरण धोए तुम्हें नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा तो लक्ष्मण जी वैसे भी गुस्से थे, उनका गुस्से का मिजाज था, एकदम आंखें लाल की और जो केवट ने एक आंख से देखा तो लक्ष्मण की तरफ देख करके और सिमट करके कहने लगे क्या नैन लखन के देख कर केवट कहे सिर नाई पूर्व जन्म की आपको सो तू में कथा सुनाए। हे प्रभु सुनो मैं अब से तीसरे जन्म की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। देखिए बंदो केवट तीसरे जन्म में कौन थे, दूसरे में कौन थे और फिर आगे क्या हुआ। एक था कौशलपुर धाम भद्रव्रत नाम बड़ा सो ज्ञानी और मैं खेलन गयो शिकार रे करिए नादानी। कौशलपुर धाम का मैं रहने वाला था, भद्रव्रत मेरा नाम था। एक समय में शिकार खेलने के लिए गया था तो मैंने क्या देखा, एक तबे संत गुणवान सटोली जान हाय सिमट में जाई सिमट में जाई तीनों घोर सिरापुरे में कछुआ दयो बनाई। केवट कहने लगे प्रभु जब मैं शिकार खेल के उधर से लौट रहा था तो शाम का वक्त था, मैंने देखा कि एक महात्मा तपस्या कर रहा था तो अपने घोड़े पे सवार था मैं। जैसे ही मैंने देखा महात्मा को तो मेरे मन में एकदम हंसी आ गई, महात्मा की आंख खुली और जो मुझे हंसा देख करके उन्होंने मुझे श्राप दिया और उसी समय मुझे कछुआ बना दिया। तो बंधु इस प्रकार से केवट आज भगवान से कह रहे और कहने लगे प्रभु फिर क्या हुआ। अरे तब मैं मन में गयो पछिताई और फिर मैं चरण गिरो भेलाई मैं महात्मा के चरणों में गिर पड़ा प्रभु और मैंने उस महात्मा से पूछा था क्या ठटोली जान करके तूने मेरी मजाक की और हंसी उड़ाई इसलिए मैंने तुझे श्राप दिया कछुआ बना दिया। और मैंने उनसे कहा हे महात्मा जी मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा किसी महात्मा के साथ, मुझे युक्ति बताइए। और क्या बोले हैं, मैंने गलती भारी करी दी क्षमा तो मोई की दे
महात्मा से कहा था कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो उस महात्मा ने मुझे कहा था, महाराज ऋषि ने वचन सुनायो खे, अब चीर सिंधु में जाओ देख विष्णु वे बतायो खे। हाँ, उस महात्मा ने मुझसे कहा था कि भैया अब मैं तो श्राप दे चुका हूं, वो मिथ्या नहीं हो सकता, अब तुम्हारी मुक्ति जब होगी तुम जाओ क्षीर सिंधु में भगवान विष्णु के पास, वो तुम्हारी मुक्ति कर सकते हैं। बंधुओं, इस प्रकार से केवट कहने लगे हैं कि प्रभु मैं कछुआ बनकर के और क्षीर सिंधु में गया था, जब आप से सैया पर सो रहे थे और लक्ष्मी जी पाम दबा रही थी, और ये तुम्हारे भाई हैं, हाँ हाँ, इनके डर से प्रभु मुझे वापस होना पड़ा। कैसे, सुनो, भगवान कहने लगे, भैया केवट एक ही केवट सुन लो भगवान, चाहे मारे लक्ष्मण जी मेरे बाण, ना बन लाऊंगा गंगा तट पर पैर पखारूंगा, गंगा तट पर भगवान हंस रहे हैं, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रही है। बंधु कहे केवट सुन लो भगवान, चाहे मारे लखन जी मेरे बाण, ना बन लाऊंगा गंगा तट पर पैर पखारूंगा गंगा तट पर। कथा सुनाऊं, दूजे जन्म की स्वामी मैं तुमको कथा सुनाऊं, ओ दीनानाथ दयालु जो हुक्म आपका पाऊं, कर जोरी कहूं अब नाई रहूं, मैं कछु न छिपाऊंगा गंगा तट पर पैर पखारूंगा गंगा तट पर। भगवान से पिछले जन्म की कथा बता रहे हैं, और क्या बोले हैं, जब सो रहे थे स्वामी प्रभु आप चीर सागर में, कश्यप के रूप थे स्वामी पग चहा पकड़ना कर में, मैं कछुआ के वेश में और तुम्हारे चरण छूने के लिए गया था, हाय जैसे ही मैंने तुम्हारे चरण छूने के लिए अपने पांव जो शेष से लगे, हाय हाय क्या हुआ, तब शेष यही उसका हृदय
तुम्हें बताऊंगा, गंगा तट पर पैर पखारूंगा, गंगा तट पर। सब कह के वट सुन लो भगवान, चाहे माने लखन जी मेरे वा नावन लाऊंगा, गंगा तट पर पैर पखारूंगा, गंगा तट पर। मुझे उन्हीं पामन वापस होना पड़ा, लेकिन आज प्रभु जब मेरे धाम आई गए हो, इस मौके को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। और क्या बोले हैं राम के, हे भैया केवट, अब जाने देख के बटो भैया तू उन पिछली बातों को, पिछली बातों को जल भर के अब तू आजा, फिर धूप लगा हाथों को। सुनो, देर हो रही है, आओ अब अपने मन की इच्छा पूरी कर लो। श्री राम कहे उपदेश दये, अरे वचन निभाऊंगा, गंगा तट पर पैर पखारूंगा, गंगा तट पर। आज मेरे नौजवानों, जब उन्होंने कहा कि भैया केवट अब तुम जल्दी से आ जाओ, अब देरी मत कीजो, तो इधर भैया क्या हुआ सुनो। वचन सुने भगवान के पुलकित भयो शरीर, और प्रभु ना हृदय समात ही सु गई जन्म की पीर। अब तो केवट पुल पुल समाने लगे हैं, और क्या किया केवट ने बंधुओं। अरे सुने राम के बेन पड़ो और चैन कथो तालायो, सब लीनो कुटम बुलाई नीर भरे लायो, केवट ने भौरनी बुलवा लिया उस गंगा तट पर, और क्या किया। अब आसन दीनो डार लाये बैठार प्रेम बरसायो, तब हर के चरण पखारे बहुत सुख पायो, बड़े प्रेम से अपने परिवार सहित आहा एक एक करके भगवान को आसन पे बैठा लेते हैं और चरण धोने लगे हैं। क्या हुआ भैया रामवीर। ए चरण धोई चरण अमृत लियो, भैया तब हरे ने यो बचन उचारो, अब तो गंगा से पार उतारो, आज मेरे नौजवानों भगवान कहने लगे मुस्कुरा के, भैया केवट अब तो कोई बात तुम्हारे मन की रही नहीं, तुम्हारे मन की जो हो चुकी। हाँ प्रभु अब मैं प्रसन्न हूं, तो भैया अब देरी मत कीजिए, जल्दी कीजिए, हमें गंगा से पार करो।
क्या किया बंधु? ए सुन के वट जब बैनरे ना दे रहू अरे लगाई जब तीनों ले बैठारी रे बहुत हरसाई आज तीनों प्राणियों को बंधु अपनी नाव में बैठा लिया और क्या किया महाराज के खेवा हाथ उठायो खे ए लंगर तीनों खोले अरे गंगा को शीश नवायो खे आज मेरे बंधुओं होरनी गंगा में आज प्रणाम करके गंगा को और भगवान नाव में बैठ जाते हैं। इधर लंगर केवट ने खोल दिया और खेवा हाथ में लेके जब नाव को आगे बढ़ाया हाय हाय गंगा महारानी प्रसन्न हो गई बोले आज हाय जब दुनिया को तारने वाले और मेरे धाम से पार हो रहे हैं ये मौका कहाँ मिलेगा तो हिलोरे आने लगी बंधुओं और क्या हुआ है मेरी नैया में बैठे भगवान हो मेरी नैया में बैठे भगवान हो गंगे मैया पार करो घबरा करके आज हाथ जोड़ करके गंगा महारानी से विनय करने लगे हे गंगे मैया ये क्या हो रहा है मेरी नाव में भगवान बैठे देखिए केवट नहीं समझ पाए थे गंगा महारानी की बात और क्या बोले हैं अरे जो प्रभु सबको पार लगा में आए मेरे धाम हे गंगा मैया हाँ जो प्रभु सबको पार लगा में आए मेरे धार ए तुम हो पाप काटनी छेनी तुम हो पाप काटनी छेनी प्रभु को होती अवार और जो देखो जन ये आए कबहू के वट नाव चलावे और कबहू दावे पाम हाँ कबहू के वट नाव चलावे कबहू दावे पाम सीता लक्ष्मण लख सेवा को भये प्रेम बट राम और एक गंगा पार उतर गए तीनों हाँ गंगा पार उतर गए तीनों आया प्रभु को जी ध्यान हो गंगे मैया पार करो मेरी नैया में बैठे भगवान के गंगे मैया पार करो आज
हेलोरा ले लेकर के और झूला झूला करके भगवान को गंगा से पार कर दिया। और जो वैसे पल्ली पार भगवान उतरे हैं, सो ही भगवान को ध्यान आया और क्या हुआ, अरे केवट उतर दंडवत कीना, केवट उतर दंडवत कीना, और प्रभु सब कुछ में कछु नहीं दीना, भगवान मन में संकोचने लगे कि मैंने केवट को कुछ नहीं दिया, जब ही क्या हुआ, अरे सिया पिया हिया की जान नहारी, हा सिया पिया हिया की जान नहारी, ए मन मुंदरी मन मुदित उतारी, मन की जो मुद्री थी उसे उतार के भगवान की तरफ इशारा किया, लो प्रभु केवट को उतराई तो दे दो। जो भगवान ने मुद्री लेकर के केवट की ओर कहा, लो भैया, केवट हाथ जोड़ के क्या कहने लगे, हे प्रभु, अरे फिरती बार नाथ जो देऊ, फिरती बार नाथ जो देऊ, तो प्रसाद में सिरा धरी लेऊ, वैसे कहा है कैसे, अरे केवट से केवट उतराई, केवट से केवट उतराई, अरे कबहू न ले तरी चली आई, हा हे प्रभु आप तो घट घट के जानन हारे हो, सुनो, अरे वैसे कहते हैं कि केवट से केवट, नाई से नाई और धोबी से धोबी, हाँ कभी नहीं लेते हैं, इसलिए अरे जैसे आप भव से तारण करते हो, ऐसे एक दिन मैं तुम्हारे धाम आऊं, मैंने तो गंगा से पार किया है, तुम मुझे भी उस भाव से पार कर देना जब मैं धाम तुम्हारे आऊं। तो भगवान हंस गए हैं, क्या हुआ है, वहां से चल करके प्रभु ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। बड़े आदर से वाल्मीकि जी ने उन्हें बगल बिठारा, रात को विश्राम किया और कहा कि हे प्रभु आप कहां के लिए जा रहे हो। तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष के लिए वन को आया हूं और मुझे कोई स्थान बताइए। तो वाल्मीकि जी क्या कहने लगे, अरे चित्रकूट स्थान दियो बतुलाई, सुने बचन राम चल दए न देर लगाई, से
सुंदर आश्रम देखकर के चित्रकूट आश्रम पे आज तीनों प्राणी रहने लगे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की।